आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन, जो बिल्कुल बाहर जैसे टेस्टी बने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले हमने दो बाउल कैबेज लिए, जिसे हमने ग्रेट कर दिया है, या फिर आप मिक्सी में भी चला सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट, एक चम्मच जिंजर चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर, मैंने अभी 1/2 चम्मच जितना डाला है, लेकिन आपको जितना तीखा पसंद हो उतना ही डालने का। अब गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच जितना। अब मैदा डालेंगे, मैंने अभी 2 चम्मच जितना ही डाला है। कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ये मैंने 3 चम्मच जितना डाला है, ये आपको बाइंडिंग जितने ही डालने के हैं। अब इसको हम मिक्स करके आटा जैसा बना देंगे। ऑलमोस्ट हमने इसमें 1/2 बाउल जितना मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला है, बहुत ज़्यादा मत डालना वरना कच्चा टेस्ट आएगा मंचूरियन में। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरे हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये हमारे बॉल्स रेडी है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे बॉल्स हमने एक एक करके फ्राई करने के लिए रख दिए। ब्राउन कलर आए तब तक हमें फ्राई करने हैं। तो ये हमारे ब्राउन कलर आ चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे बॉल्स को फ्राई कर देंगे। अब हमने 6 चम्मच जितना ऑयल लिया है, इसके अंदर हम जिंजर चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 बाउल जितना चॉप्ड ओनियंस डालेंगे और इसे पकाएंगे। ये पक जाए उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे 1 बाउल और इसे भी पका लेंगे। ये हमारे दोनों वेजिटेबल्स पक गए हैं, इसमें हम सॉसेस डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जितना सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच जितना रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच जितना विनेगर डालेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा केचप डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे ये ग्रेवी जैसा बन जाए। अगर आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो तो उसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल के उसे ठीक कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ी देर कुक होने देंगे। इसमें अब हमने जो मंचूरियन बॉल्स फ्राई किए थे वो डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रेडी है हमारा वेज मंचूरियन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल बाजार जैसा ही बना है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना अनुभव शेयर करें।